गंदगी के ढेर पर गधे चरने का ये मंजर किसी गांव का नहीं बल्कि पेशावर के रेलवे पाटी के करीब वाकई गुड़मंडी का है, जहां पर फ्रूट फरोख्त किया जाता है। यहां चावड़ी परोश फ्रूट फरोख्त करते बासानी देखे जा सकते हैं। जोड़ो बंदों से। रेलवे ट्रैक के साथ वाकई इस बाजार में गंदगी का ये ढेर गुज़श्ता 2 सालों से पड़ा हुआ है। सूबाई हुकूमत की जानिब से शहर से गंदगी उठाने का टेका एक निजी इदारे को देने के बावजूद भी इसे नहीं उठाया जा सका। गंदगी और तौफान से शहरियों का यहां से गुजरना ही दोबर हो गया है। रमजान है, कोई मौका में भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे, लिहाजा ये स्लो है, क्योंकि ये जरिया जो है ना पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए एक जरिया चाहिए, और ये गन वगैरह को नहीं देखते और वो अपना वो कर रहे हैं, तो ये एक मजबूरी है और इनके लिए गनीमत है। दूसरी जानिब चावड़ी परोश हुकूमत की इस बेएतनाई पर खुश है, जिनका कहना है कि बल्दिया के अहलकारों ने यहाँ का रुख किया तो कहीं गंद के साथ उनका भी सफाया न कर दें। अगर जगह साफ हो तो फिर हमें कोई नहीं छोड़ेगा। अभी हम गरीब लोगों का काम चल रहा है, वरना ये जगह तो हम खुद भी साफ कर सकते हैं। शहर के वस्त में वाकई इस बाजार में लगी गंदगी की ये ढेर तब्दीली के नाम पर आने वाली हुकूमत के लिए भी सवालिया निशान है। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन कमरान पराशा के साथ मुसरतुल्ला, दुनिया न्यूज़, पेशावर।